अभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि हमारे गरीबों का मसला देखने के लिए और हल करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ का एक्स सरपंच हूँ, बलदेव सिंह खनीकोट का, और आज इस ही वार्ड का एक नंबर वार्ड का पंच भी हूँ मैं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये जो नीचे वाली ज़मीन है, आबी ज़मीन है, सब खनीकोट वालों की ज़मीन है। ये सब 70% दांग वाली ज़मीन जो है ये हमारी खनीकोट वालों की है। जब यहाँ से रोड शुरू हुआ था, एस डी एम साहब नरेश शर्मा जी, हमारे पाटिल या अपने डिप्टी चीफ के आर सेल वाले आए, उन्होंने बोला यहाँ हमारे लोगों ने धरना दे दिया कि हमारी ज़मीन है और मेरे जो ये नहीं डैमेज होना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि रोड को जाने दो, हम आपकी ज़मीन भी साफ करेंगे, आपका मुआवजा जब तक नहीं ये चलेगा ज़मीन चलेगी तब तक हम मुआवजा भी देंगे, आपकी नेरे जब रोड नाले में पहुंचेगा हम नेरे बना के देंगे। उससे बाद उन्होंने क्या किया हमारे साथ कि वो उन्होंने बोला चलने दो काम आप करेंगे, एक फसल का पैसा उन्होंने दिया 4 साल में, उससे बाद बोलते हैं आपका जो मुआवजा है बंद कर दिया है। हमें ये बताएं, मैं सीधा डीसी मैडम साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वादा आज तो एस डी एम साहब भी दूसरे हैं, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, जहाँ तो इन लोगों के लिए एक पैकेट जैद भेज दें, जहाँ को तो इन लोगों का मसला हल कर दें। उस वक्त मेरे साथ, मैं एज ए सरपंच था, मेरे साथ इन्होंने वादा किया था और लोगों ने भी सुना कि भाई ये हमारे सरपंच ये कल हमारा काम हल करा देंगे। आज वही लोग कहते लिए बोलते हैं भाई देखते हैं क्या डिपार्टमेंट को दे देंगे, एरिकेशन को दे देंगे। ना तो एरिकेशन के पास कुछ प्रूफ है, अभी तक हमारे लोग हर जगह भटक रहे हैं, हमारा हम कहाँ जाएं क्या करें। आप हमारा लास्ट फैसला है, अगर डीसी मैडम हमें 15 दिन से अंदर ये फैसला हमारा हल हो सकता है, यहाँ कोई टीम भेजकर, चाहे यहाँ की पंचायत, यहाँ के मौजूद हजरात और ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं यहाँ से बुला के कहीं फैसला करके हमारी नेहरू का काम और ये जो ज़मीन है इनको अच्छी तरह से जो हमारे पैसे पहले का क्रॉप कंपनसेशन है वो भी दे दे। नहीं तो हम 15 दिन से अंदर अंदर यहाँ पे धरना देंगे, चाहे पूरी पुलिस हमारे उठा के ले लेंगी, विद फैमिली हम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की है, क्योंकि मेरे साथ वादा किया लोगों के साथ नहीं। फिर जिस वक्त यहाँ से चला गए नाले में, वहाँ हमारे एडिशनल डीसी साहब आए, उन्होंने बोला पानी आप दे दो और आपकी नेरे जो है ये वाली नेरे दो जो है 4 महीने से अंदर अंदर बनवा के देंगे, और जो उस पार्ली साइड में 3 नेरे हैं छोटी छोटी वो भी उन्होंने बोला 6 महीने का बकवा दो और हम कर लेंगे। और 1 साल हो गया, कोई उन्होंने पूछा नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जिनका जितना भी डैमेज हुआ है, जो मुआवजा बना है, वो एडिशनल डीसी साहब खाते में पड़ा है, वो कलेक्टर है, वो कंपनी वाले बोलते दे दिया, वो देने की उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रा बताएं। हम ये नहीं कहते हैं कि उनके खिलाफ हैं, खिलाफ बोलने बिना बच्चा भी माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। हम मजबूर हो चुके हैं, हम यहाँ से बढ़ के वहाँ पे डीसी मैडम के पास जाएंगे और हमें बुलाए, जहाँ मर्जी बुलाए, रियासी हम जा सकते हैं, इधर करें, इन गरीब लोगों को लेकर कहाँ तक पहुँचेंगे, हम क्या करेंगे। 300 राशन कार्ड है और 270 राशन कार्ड के ज़मीन है, ये 270 मतलब सब उनकी ज़मीन है। इस ज़मीन का पैसा किसी ने 2000 मिला है 4 कनाल का, किसी ने कुछ नहीं मिला अभी तक, 4 साल हुए। कम से कम ये जो पीछे वाली ज़मीन थी ये आतम सिंह नाम की उनकी है, उन्होंने उस वक्त बोला था यहाँ पे उन्हें दो हम साफ करके देंगे और इन लड़कों को जो उनके लड़के थे उनको नौकरी देंगे। आज वो वादे ख़त्म करके हमें मजबूरी पड़ी, हम रोड पे उतरने वाले हैं। मैं भी इसी पिचाज का रहने वाला हूँ, तो मसला जो हमारे एक्स सरपंच जी और अभी ये यहाँ वार्ड नंबर 1 के पंच हैं, इन्होंने जो बातें बताई ये बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे रोड जब आया तो ये ज़मीन जो सामने पड़ी है इसमें रोड का मलबा भी पड़ा है, अभी तक वो भी नहीं उठाया गया है और नहरें टोटल डैमेज हो गई हैं और इसको ऐसे छोड़ने से ये बहरान हो गई है ज़मीन हमारी बिल्कुल ही। तो ये यहाँ पे हमारे डीसी साहब, ये पहले डीसी हैं जो यहाँ पे आए,
इन्होंने भी आके यहाँ पे मौके पे देखा, हमारे लोगों की परेशानियाँ देखी। इनके पहले भी डीसी रहा करते थे, उनके पास भी हमने अप्रोच की, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। तो ये डीसी मैम थे, ये यहाँ पे आए, इन्होंने देखा, इन्होंने भी कोशिश की और केआरसीएल से इन्होंने ये अप्रोच की है कि जल्द से जल्द इनका जो भी पैसा या कंपनसेशन नहरें इस काम के लिए, इन्होंने केआरसीएल से अप्रोच की है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए।